हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 6.4 के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल हमने अपनी वीडियो में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था, आज हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो एक्सरसाइज थी वो हमारी थी डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है 8.75 लीटर्स मिल्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 25 स्टूडेंट्स। हाउ मच मिल्क विल ईच स्टूडेंट गेट। इसमें बताया गया है कि 8.75 लीटर मिल्क है जो 25 स्टूडेंट्स में इक्वली बराबर रूप से बांटा गया है, तो आपको बताना है कि प्रत्येक स्टूडेंट के हिस्से में कितना मिल्क आएगा। तो हम अपना आंसर करेंगे, मिल्क डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 25 स्टूडेंट्स इज 8.75 लीटर। ठीक है, कि 25 बच्चों के बीच में कितना दूध बांटा गया है, 8.75 लीटर। अब आप यहां लिखोगे ईच स्टूडेंट गेट मिल्क, एक बच्चे को कितना मिल्क मिलेगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास 5 पेन है जिनका रेट है 10 रुपये। 5 पेन आपके पास है जिनका रेट है 10 रुपये। आपसे पूछे कि एक पेन का रेट क्या होगा, तो आपको पता है कि एक पेन कितने रुपए का हो जाएगा, 2 रुपए का। हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया। अगर हमें ज़्यादा का दिया हुआ है और एक का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो हम 8.75 डिवाइड बाय 25, ठीक है, ये जो आएगा वो हमारे पास एक बच्चे को जो मिलेगी उसके दूध की मात्रा आ जाएगी। तो इसका देखिए हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड आपको मैंने बताया था, 8.75 को डिवाइड कीजिए 25 से। 25 यहाँ पे देखिए आप 8 है या 25 है, नहीं जाएगा, 0 लगा दीजिए, फिर पॉइंट है आपका। अब 87 और 25 को हम डिवाइड करेंगे 87 को, तो कितना आएगा, 3 पे, ठीक है, 75। अब इसको माइनस कीजिए, 7 में से 5 माइनस किए 2, 8 में से 7 माइनस किया 1। अब 5 को नीचे लेके आइए, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 5 5 जा 25 5 2 जा 10 और 2 12। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0.35 लीटर। ये क्वांटिटी है जो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में आई। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ मैनी पीसीज ऑफ रोप ईच 1.2 मीटर लॉन्ग कैन बी कट फ्रॉम ए रोप मेजर 43.2 मीटर। कि 43.2 मीटर आपके पास एक रोप है जिसमें से टुकड़े काटे गए हैं और जो प्रत्येक टुकड़े की लेंथ है वो है 1.2 मीटर लॉन्ग। आपको बताना है कि इस लेंथ के कितने टोटल टुकड़े उसमें से किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 43.2 मीटर। टोटल लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 43.2 मीटर। दूसरा अब आपके पास है लेंथ ऑफ ईच पीस, लेंथ ऑफ ईच पीस कट फ्रॉम रोप, जो रोप से टुकड़े काटे गए हैं उनकी लेंथ कितनी है, 1.2 मीटर। अब हम लिखेंगे, इसने क्या पूछा है आपसे, हाउ मैनी पीसीज ऑफ रोप कैन बी कट। तो आप लिखोगे पीसीज कैन बी कट, कितने पीस कट हो सकते हैं। तो वो देखिए क्या करेंगे, हम टोटल लेंथ को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये हमारे पास टोटल पीस आ जाएंगे। तो आप इसके लिए देखिए, आपके पास डिवीजन में मैंने बताया था आपको पॉइंट अगर दिया है तो पहले हम पॉइंट को हटाएंगे, और पॉइंट को हटाने के लिए आपको एक स्टेप इधर जाना है, तो इसमें भी हमारा पॉइंट एक स्टेप आगे आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 4432
डिवाइड बाय 12, ये आपका आ जाएगा। अब 432 को आप डिवाइड कीजिए, किससे करेंगे, 12 से। 3 36, 7 12 6 72, तो कितना आंसर आ गया आपके पास, 36, सॉरी ये मीटर से मीटर आपका डिवाइड हो जाएगा। देखो इसमें भी मीटर है, इसमें भी मीटर है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएंगे हमारे पास, 36 पीसीज। तो हमारे पास टोटल 36 पीस हो जाएंगे उस रोप में से। 43.2 मीटर में से जब हम उसको 1.2 मीटर टुकड़े में काटेंगे तो हमारे पास टोटल पीस आएंगे 36। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.4 के। आप इस वीडियो की हेल्प से इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।